अहमद के जन्म को लेकर अद्वैत के सामने हुआ बड़ा खुलासा। क्या जैस्मिन के कारण टूट जाएगा अद्वैत और अहमद का रिश्ता? जी हां, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो उडारिया में आप देखेंगे कि कैसे पगफेरे के लिए अहमद, अद्वैत, निखिल और नाज आ पहुंचेंगे अहमद और नाज के मायके, जहां पर अद्वैत अपना एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आएंगे, तो वही अहमद के परिवार वाले अपने दामादों का करेंगे वेलकम, अद्वैत से पूछेंगे चाय पानी के लिए, लेकिन अद्वैत कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहेंगे, यहाँ तक कि वहाँ दो पल भी रुकना नहीं चाहेंगे। पर अहमद के नाना जी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। जब अहमद अपने परिवार को समझाएंगी कि किस तरह अद्वैत बहुत बिजी हैं और उन्होंने पहले से ही खाना खा लिया है, साथ ही निखिल भी अपने और नाज के साथ अपनी भाभी अहमद को लाने का वादा करेंगे अपने भाई से, जिसके कारण अद्वैत वहाँ से निकल पड़ेंगे ऑफिस के लिए। जबकि दूसरी तरफ जैस्मिन पहुँच जाएंगी शमशेर यानी कि अद्वैत के पिता के पास, बताएंगे कि किस तरह अद्वैत के पिता को बेवकूफ बनाया गया है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनकी दोनों बहुएं किनकी बेटी हैं। अब ऐसे में जहां शमशेर के होश उड़ेंगे, तो वही उनके सामने ये सच आएगा कि अहमद तेज और फतेह की बेटी नहीं है, जिसे सुनकर अद्वैत के भी होश उड़ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अहमद से मिलने आ पहुंचेंगे मल्लिका, अहमद के परिवार को दिखाना चाहेंगे अद्वैत और अहमद की तस्वीरें, जबकि अहमद मल्लिका को समझाने की कोशिश करेंगी कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ ही अहमद फूट फूट कर रोएंगी, लेकिन मल्लिका एक नहीं सुनेंगी, अहमद को धकेल देंगी, पर इकम अहमद को संभालेंगे जरूर, पर ताना देने से बाज नहीं आएंगे। बताएंगे कि मल्लिका को कि जिस तरह अहमद ने उन्हें दर्द दिया है, क्या वो भी अहमद के साथ ऐसा करे तो फिर उनमें और मल्लिका में क्या फर्क रह जाएगा, जिसके कारण इकम मल्लिका को लेकर अपने साथ चले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अहमद अपने किस्मत पर रोएंगी, ये सवाल करेंगी कि आखिर की हर मुसीबत अहमद के आसपास क्यों मंडराती रहती है। वेल, अब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैस्मिन के खुलासे के बाद टूट जाएगा अद्वैत और अहमद का रिश्ता। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।